जिहड़ा वड्डा भाई हुंदा है ना, वड्डा भाई, उन्हें छोटे भाई का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। छोटे भाई ना कभी लड़ना नहीं चाहिए। ये नहीं कि छोटे भाई से चढ़ के आ जाओ, छोटे भाई के घर के टैंक वाड़ दो, छोटे भाई के घर के मिसाइलों ना हमला कर दो, ये गल गलत अच्छा है। यूक्रेन दी मैं गल कर रहे यूक्रेन हैं। की गल कर रहा, यानी कि रूस को मैं रूस। वड्डा भाई कहता। रूस यूक्रेन का वड्डा भाई है मान लैने, क्योंकि वो बहुत वड्डा है पावर के हिसाब न। लेकिन मैं ये गल करना कि जज्बे के हिसाब न यूक्रेन बहुत वड्डा है। राइट। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति ने उन्हों का बयान देखो, वो कहते मर जावे आखिरी सांस तक लड़ांगे, लेकिन अपने एक इंच जमीन भी नहीं देंगे, असी भजांगे नहीं। अमेरिका ने ऑफर करता कि तुहानू इत्थों असी कढ दिंदे आ, बाहर आ जाओ, कढ दिंदे आ। कहिंदा मैं अपना देश अपने लोकां नू छड्ड के जावांगा नहीं, मरना कबूल कर लांगा लेकिन भजांगा नहीं। और बरोबर मोढ़े ना मोढ़ा जोड़ के लड़ रहे लड़ ने। रहे ने, दस्या जांदा है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जब तक ये वीडियो शूट हो रही है, यूक्रेन का दावा है कि 4300 रूसी सैनिकां नू उन्होंने मार दिता है। 4300 रूसी सैनिकां नू, ते जिन्हां दे कोल कोई परमाणु शक्ति नहीं हैगी, यूक्रेन दे कोल कोई परमाणु पावर नहीं हैगी, सिर्फ नॉर्मल हथियार ने जिन नाल वो लड़ रहे हैं। और जिहड़ी उत्थे दी पब्लिक है, उत्थे दी जनता है, वो हुण आ गई है राष्ट्रपति दे नाल, वो भी लड़न तैयार हो, क्योंकि उन्हां दे अंदर जिहड़ा जज्बा देखिया। क्योंकि जदों अफगानिस्तान ते हमला होया सीगा, ते उस समय सब तो पहले अफगानिस्तान दे जिहड़े राष्ट्रपति सी वो भज्जिया सी, ते हुण जिहड़ा यूक्रेन दे विच हमला होया, इत्थे देखण नूं मिले कि राष्ट्रपति डट के मुकाबला सामना कर कर रहे हैं। रहे हैं। ठीक है, जिथे वो एक मुकाबला कर रहे हैं, नाल खड़े ने अपनी फौज के नाल, अपने देश के नाल, उथे वो एक सभ्यक तरीके दे नाल जवाब भी दे रहे हैं रूस ते दुनिया नू। ते एक होर, जिस देश दा राष्ट्रपति एहो जा, उत्थे दे लोग कहो जे होंगे। लोग किहो जे होणगे, तो सल्यूट है उस राष्ट्रपति नू, उथे दे लोकां नू, जो इन्ने बड़े दुश्मन नू देख के भी, जो कि दुनिया की सब नंबर वन ताकत है, उन्हें देख के भी घबरा नहीं रहे, मोडे नाल मोडा ला के एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। और लानत है उन्होंने देशों पर, लानत है उन्होंने देशों पर जेड़े यूक्रेन का साथ नहीं दे रहे, जेड़े हाँ सिर्फ गल्लां बनाई जा रहे हैं, असी जी इन्हों का साथ नहीं देना, असी जी ना हाँ करते हैं ना करते हैं। भाई कमाल है, एक पास तुम गल करते हो कि असी मजलूमा की राखी करते हैं, तो दूजे पास तुम कहने हो कि नहीं असी साथ नहीं देना, असी ना हाँ चे ना चे हाँ। जे तुसी हाँ ना दोनों च नहीं हो ना, ये मतलब तुसी पावरफुल देश का साथ ही दे रहे हो। एक बंदे ते अटैक हो रहा है और उदा तुसी ना सपोर्ट कर रहे हो ना उदा विरोध कर रहे हो, ते जिदा अटैक हो रहा है यदा मतलब तुसी जिदा अटैक कर रहे हो उदा साथ ही दे रहे हो, कि हाँ तू जो कर रहे सही कर रहे हैं, क्योंकि उदी तो तुसी कोई मदद कर ही नहीं रहे ना। सो अगर जिन्ने लोग मर रहे ने उत्थे यूक्रेन दे विच, जिन्ने लोग दुखी हो रहे ने, उदे जिम्मेवार जिथे रूस है उथे वो शक्तियां भी ने, वो पावरफुल देश भी ने, जिहड़े अज भी यूक्रेन का साथ नहीं दे रहे। अखां खुलियां होण दे बावजूद भी बंद करी बैठे ने। बिल्कुल, मैनू पता है कि एक तीसरा विश्व युद्ध लगन का खतरा भी है, कि अगर उन्होंने इनडायरेक्ट डायरेक्ट तरीके दे नाल मदद की, फौज भेजी, तो तीसरा विश्व युद्ध भी लग सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि उसे फौज भेज के तुसी उन्होंने मारना ही है रूसी सैनिकों को, फौज भेज के जब तुहाड़े देश की फौज उत्ते खड़ी होएगी, तो रूसी सैनिक कभी भी उन्होंने अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि वह भी देखेंगे इस गल नूं कि हाँ भाई ये तो फलाने देश की सेना है जिन्हें ना साड़ा प्यार है, असी इन्हों पर अटैक ना करिए। अगर अटैक करते हैं तो फिर तुम जवाब दे कि साड़ी फौज तो अटैक किया है, तुम उत्थे सिर्फ तो सिर्फ एक बॉर्डर बना सकते हो, रोक सकते हो कि तुम अगे ना वधो, सिर्फ रोकना ही है। मैं नहीं कहता उत्थे कतलेआम करो, फौज नूं मारो, रोको, नहीं, उत्थे जाके खड़ जाओ कि असी खड़े हैं, झंडे लाके खड़े जाओ, निहत्ते खड़ जाओ कि असी खड़े हाँ, तुसीं सानूं मार के अगे वध जाओ। ये हुंदी है भाईचारक सांझ, ये हुंदा पावरफुल देश का दिखाना। ये थोड़ी ना कि एक देश के उत्ते अटैक हो रहा है तो अभी चुप करके बैठे रही, हत्थे हथ करके बैठे रही है, अपने लोगों को कड़न वाल ध्यान है कि साढ़े लोग निकल जाए जोड़े उत्थे लोग वस रहे हैं, कि वो लोग इंसान नहीं है, मानवता की गल असं सारे करते हैं कि वो लोग मानव नहीं है। ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਗਣਾ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਕੇ ਉਹ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੁੱਧ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ।
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ। ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲੀ ਨੇਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸਹੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।